बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो हाउ इज द जोस बच्चा, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, राइट? तो आज हम आपके लिए लेके आए बच्चों एक्सरसाइज 9.4। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम 9.4 इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, राइट? तो हमको क्या देखना है, कह रहे हैं डिफरेंट यूनिट्स एंड डेसिमल सिस्टम, राइट? अलग अलग यूनिट्स दिए जाएंगे और उनके कुछ डेसिमल सिस्टम्स होंगे, उनको आपको समझना पड़ेगा, जिससे कि आप एक्सरसाइज में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो लेंथ की अगर बात कर ले बच्चों, ये चीजें ध्यान से समझिएगा, राइट? देखो जब इधर अगर आता है तो कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता है, और इधर से अब जो भी यूनिट आएगा वो डेसिमल पार्ट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, बिकॉज जो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो मीटर होता है। तो आप यहां पे अगर मैं इनको थोड़ा सा दिखाऊं आपको, देखो 7, 2, 4, 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 7 यानी आप अगर बात करें लेंथ की तो 7.246 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर यूनिट यहां पे आ रहा है तो ऊपर भी ये डेसिमल्स हो रहा है, क्योंकि इसके बाद यूनिट छोटा होता है ना, तो 2.082 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 50 तो 56 सेंटीमीटर होगा। तो ये चीजें आपको कन्वर्ट के लिए याद रखनी है कि यहाँ जो वैल्यूज होती है ना वो 7 यानी 7 किलोमीटर्स है, यहाँ पे 2 HD, यानी एक चीज याद रखना है ऐसे कन्वर्ट के लिए कि 1 किलोमीटर में स्टैंडर्ड यूनिट को अगर आप फॉलो करते हो तो क्या हो जाएगा, 100,000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में क्या होगा, 1,000 मीटर हो जाएगा। और 1 HD मीटर में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 100 मीटर हो जाएगा, राइट? और 1 डे का मीटर की अगर मैं बात कर लूं, सेम यूनिट यही होगा बच्चों, 10 मीटर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, राइट? अब अगर 1 डे का मीटर की बात कर लें, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर की बात कर ले तो कितना, अच्छा ये मिलीमीटर में कन्वर्ट होगा ना, मिलीमीटर की अगर सेंटीमीटर की बात कर ले, मीटर की बात कर लो, 1/ कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 1/100 हो जाएगा। और 1 मिलीमीटर की बात कर ले तो बच्चों क्या होगा, 1/1000 की बात ही निकल के आ जाएगी। तो इन चीजों को आप चलो अभी रहने दो बच्चों, ये चीज आप याद रख ले, है ना, कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, HG में 100 होता है, इसमें 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे हम क्वेश्चन दिखाएंगे भी आपको और आसानी से आप करेंगे भी इन क्वेश्चनों को। तो ये चीजें आप ध्यान रखें थोड़ा सा, जिससे कि आप इनकी एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो ये टेबल आप चाहे तो अच्छे से याद कर ले, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो ध्यान रखें इन चीजों को, ओके? सेम प्रोसेस है बच्चों वेट में भी, KG आ जाएगा, HG आ जाएगा, DG आ जाएगा, DG, NCG, MG, इस सब का फुल फॉर्म मैंने डिटेल में बता रखा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी दे रखा है, तो आप इस तरीके से इनको पॉइंट आउट कर सकते हो, इसको इस तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हो, ओके? और अगर कैपेसिटी की बात कर ले तो कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो लीटर होता है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होता है, और लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर। ये तीनों स्टैंडर्ड यूनिट आपको याद रखने हैं, ओके? चलिए अब यहाँ पे देखिए इनके कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं, राइट? ऑपरेशन में क्या है आप ध्यान से समझिए, ऑपरेशन चार ही होते हैं बच्चों, एक तो एडिशन का ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन का होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है और डिवाइड होता है। दीज आर द 4 ऑपरेशन, राइट? अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी ऑपरेशन, तो देयर आर 4 ऑपरेशन, राइट? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन होता है। तो देखो एडिशन ऑफ अ मैट्रिक मेजरमेंट की अगर बात कर ले तो क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो एड द फॉलोइंग यूजिंग द बोथ यूनिट एंड डेसिमल्स, दैट इतना से इतना दे रखा है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है, फिर आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूनिट है, फिर यहाँ से यहाँ तीनों, तो तीनों यूनिट को क्या किया गया है यहाँ पे बच्चों, 1/1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा गया। फर्स्ट में ये लिख दिया गया, ध्यान से समझिए, किलोमीटर, एचजी मीटर, डेका मीटर, इतना इतना इतना, ठीक है। फिर सेम यूनिट को सेम के साथ लिखा, फिर सेम के साथ, सेम के साथ, सभी सेम सेम है बच्चों, राइट? तो सबको ऐड करने के बाद, और ये तो हमने लिखा है लॉन्ग फॉर्म में, और यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, राइट? यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो देखो अगर आप मीटर से पहले की यूनिट है तो वो इस तरीके से आएगा, उसके बाद की है तो पॉइंट में आ जाएगा, मीटर से पहले की ऐसे होगा उसके बाद पॉइंट किया जाएगा, मीटर से पहले इस तरीके हो जाएगा फिर पॉइंट में आ जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा।
आई होप जब भी आप ऐड करो ना बच्चों, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होगा ना तो आपका जब एडिशन करेंगे तो वो रॉन्ग आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, तीनों मिलीमीटर से, तीनों सेंटीमीटर है, तीनों डेकामीटर से, मीटर से, डेसीमीटर से, हेक्टोमीटर से, किलोमीटर से, तो तीनों सभी यूनिट क्या है, सेम है, इसलिए एडिशन ईजी से हो पाया। नहीं तो अगर मान लो ये दो यूनिट नहीं है तो आप यहीं से लिखेंगे, समझ रहे ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हायर माइनस लोअर होता है, तो यहाँ पे देखो सबट्रैक्ट 4 केजी इतना ग्राम से और 7 केजी, तो 7 केजी में से क्या करो 4 केजी लेस कर दो, वही चीज़ लिखा है। यूनिट के सामने सेम लिखो, या तो इस तरीके से लिख दो या आप इस तरीके से लिखो, आप आसानी से हो जाएगा। या तो केजी में कन्वर्ट करके लिख दो या फिर आप ग्राम में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दो, तो दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। बट हाँ, वे सही होनी चाहिए ना, क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट। ओके चलिए, अब देखो सबट्रैक्शन क्लियर हुआ, अब देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिस्टम की बात करें तो सिंपल सी बात है, पहले इन सब को या तो वन यूनिट में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप चाहो तो दोनों से कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो देखो अगर वन यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की है, तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लेंथ, मीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। इन सब को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये रिजल्ट आया, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। अब आप चाहो तो फिर इनको इसी के सारे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, या अपन मीटर में भी आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 4.568 आया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया, तो ये मीटर में आ गया। अब चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 54 मीटर हो जाएगा, है ना, 8 डेकामीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और 6 मिलीमीटर हो जाएगा। लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, देख लो इतना मीटर हो जाएगा बच्चों, 8 जो है वो डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है, जो 1 है बच्चों वो सेंटीमीटर में हो जाएगा और 6 मिलीमीटर में हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यूनिट में लिख सकते, कोई इशू नहीं है, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते, क्लियर। सेम प्रोसेस है बच्चों डिवाइड में भी, आप चाहे तो यहाँ भी वही कर सकते हैं। यहाँ पे दो यूनिट है तो पहले आप वन यूनिट में कन्वर्ट करें, जिसे आसानी से आप डिवाइड कर पाएंगे, दोनों यूनिट में बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो देखो यहाँ पे वन यूनिट में चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, है ना, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब इसको डिवाइड करने के बाद 320 आया, तो अब आपको ऑब्वियसली बच्चों बताया है कि 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आप चाहे तो ये 90 मीटर हो जाएगा ना, 900 मीटर, और ये 20 मीटर तो 1920 मीटर हो गया ना। 1920 मीटर को अगर आप डिवाइड करोगे 6 से तो क्या होगा, 320 सेंटीमीटर हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर आ गया। तो आई होप आपको ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, इस तीनों का एक ऑपरेशन समझ में आ गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो चलिए अब इनके एक्सरसाइज को देख लेते हैं, जिससे कि आप इन सभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। ओके तो देखो 9.4 में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, है ना, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ईजी है, एडिशन है, बट हाँ इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग द मैट्रिक मेजरमेंट इन बोथ यूनिट एंड डेसिमल्स, राइट, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे ए में दे रखा है, यहाँ से देखो एक वैल्यूज है, फिर यहाँ से एक वैल्यूज है और यहाँ से एक वैल्यू, तीन अलग अलग वैल्यूज है। तो तीनों को आप चाहो तो कॉलम में कर लो, और कॉलम में करने के बाद आप उनको चाहो तो ऐड कर लो, राइट। तो चलो बच्चों, मैंने इनको कॉलम में ऑलरेडी कर रखा है, जिससे कि आपको आसानी से और अच्छे से आप समझ भी पाएंगे इन बातों को, है ना। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो हमने पहला लिख दिया है ना, 5 kg, 6 hg, 9 dg एंड 3 gg, फिर इसको मैंने सेम कर दिया और जब ऐड किया तो ये रिजल्ट आया। तो ये तो मैंने इसी के यूनिट में ऐड किया, और इनको फाइनली एक यूनिट में कन्वर्ट किया तो ये निकल के आया, है ना। टोटल क्या होगा बच्चों, 17,924 kg, राइट, ये टोटल इसके आंसर्स आएंगे इन सबको ऐड करने के बाद, कब, जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो, या फिर सारे यूनिट में ही रखेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो बस यही है बच्चों, तीनों को यूनिट के साथ सेम उनके साथ लिखना है और फिर उनको ऐड करना है। सेम बच्चों बी में भी वही कर रखा है मैंने, 7 kg है, 250 grams है, फिर ये एक अलग यूनिट हो गया, ये एक अलग है, ये अलग है, तीनों है, तीनों को हमने यहाँ पे कॉलम मेथड से ऐड कर दिया, जिससे कि आसानी से ऐड हो जाएगा और ये रिजल्ट आया। फिर इसको फाइनली मैंने इस तरीके से लिख दिया, क्लियर। सी में भी बच्चों वही है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ से देखो, यहाँ से एक यूनिट्स हो गया, यहाँ से एक कन्वर्ट दे रखा है आपको, यहाँ से एक कन्वर्ट दे रखा है, तो मैंने तीनों को कॉलम में लिखा है ना,
ये लिखने के बाद आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो इस तरीके से, इसको मैंने ऐड किया है। अगर कैरी आता है तो इधर लिखना है ना, इसका कैरी इसमें जाएगा, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो वही चीज़ मैंने किया तो ये आ गया, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत बेसिक है, ऐड आपको बहुत अच्छे से आता है, बट हाँ थोड़ी सी कंसेप्चुअल से ऐड आई है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना आपको। तो ये आ गया, अब इसका हमने आंसर लिख दिया, है ना। क्योंकि अगर वैसे करने बैठो बच्चों तो काफ़ी लंबा वीडियोस बन जाएगा, इसलिए मैंने सॉल्व करके रखता हूँ, जिससे कि आपको कम समय में मैं ज़्यादा बातें को समझा पाऊँ और आप अच्छे से इस चीज़ों को समझ भी पाओगे, है ना, और आपको समझ आ भी रहा है ना। चलिए तो देखो इसके डी पार्ट में ये दे रखा है, ये यूनिट हो गया अलग, ये अलग है, और ये तीनों को कॉलम मेथड में लिखा, ऐड किया, ये रिजल्ट आ गया। ऐड करना तो आता है ना, अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताना, अगली वीडियो से मैं ऐड करके भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन हाँ वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके देखो इसको हमने ऐड किया, ये आ गया, फिर इसका कैरी इधर चला गया, इसको ऐड करने के बाद रिजल्ट आया, फाइनली जो आंसर आया वो ये निकल के आया 41.42 लीटर्स, एंड दैट्स इतना लीटर्स आ जाएगा, और इतना ये मिली लीटर्स होगा ना, टोटल को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो 142 प्लस इतना लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर में टोटली आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के बेस पे ही क्वेश्चंस होगा बच्चों, क्योंकि यही चार ऑपरेशन आपको पढ़ने हैं। तो ये चार कॉन्सेप्ट अगर आपको एडिशन अच्छे से आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, डिवाइड आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, तो आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। देखो फाइंड द डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहा है, एंड राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द यूनिट्स, राइट। तो देखो आपको क्या है कि 5,594.03 किलोमीटर एंड 2,962.43 किलोमीटर, तो इसमें से आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिजल्ट आया कितना, 2,631.6303। हाँ कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, अगर इसमें भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊँगा। वैसे मुझे लग रहा है कि आप अब तक मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशंस एंड डिवाइड में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, और आपको इनके कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए 8.393 ग्राम है, और यहाँ पे 7.3 ग्राम है, तो इसमें से क्या करेंगे, 8 है ये बड़ा, तो हायर माइनस लोअर होता है, तो हायर में से लोअर लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, डेसिमल को सेव करना, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, डेसिमल में थोड़ी सी दिक्कत आपको होती होगी, तो मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ, है ना, 387 आ जाएगा। अब आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, अब तो बहुत आसानी से कर लोगे, है ना। तो इन चीज़ों को मैं शॉर्ट किया हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है इसी वजह से, और आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ओके अब आप सी में देखिए 4.729 लीटर्स है एंड 1.553 लीटर्स है, तो सिंपल सी बच्चों इसमें से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये करने के बाद रिजल्ट आएगा, सेम प्रोसेस से आप कर सकते हैं। डी में आप देखिए कि 294.32 हेक्टोमीटर्स है, यहाँ पे 204 हेक्टोमीटर्स है 0.8, राइट। तो जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल मेथड है बच्चों, ये कौन सा मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड है। आप चाहे तो कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख सकते हो, अगर हॉरिजॉन्टल मेथड में आपको प्रॉब्लम होता है तो, राइट, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपने देखा सब्ट्रैक्शंस। ओके अब देखिए बच्चों इसको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल सी बात है बच्चों, पहले आप इन सभी यूनिट को ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट जो कह रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखना है आपको, आंसर तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। सभी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करो, तो जब इन सभी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो मीटर स्टैंडर्ड है, तो मीटर में करने के बाद ये रिजल्ट आया। अब इसको 12 हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, फिर हमने क्या किया इसको एज अ टी जिस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो 78 किलोमीटर आ जाएगा, 4 हाइड्रोमीटर जाएगा, 8 मिलीमीटर 8 मीटर आ जाएगा, तो ये आपकी यूनिट निकल के आ गई। तो पहले वन यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करो, फिर चाहो तो मल्टीपल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर एज इट इज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर फिर भी आपके रॉन्ग नहीं होंगे, आंसर्स सेम होंगे और गलत भी नहीं होंगे बच्चे, है ना। चलिए बी में देखिए
25 मीटर्स है 15 सेंटीमीटर्स है 900 करना है, तो 1 यूनिट में हमने कन्वर्ट किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, फिर मैंने इसको सेम उसी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू आता है वो आपको सेंटीमीटर में है, तो हमने कर दिया, इसको मीटर में लिख दिया, इसको सेंटीमीटर में लिख दिया, है ना। अब सी में देखिए सेम है, केजी में दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको 13 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया आपका, है ना। फिर इनको इसी यूनिट में अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम, इसको पहले हमने 1 यूनिट में कन्वर्ट किया, 1 यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या नहीं इसी में आंसर देना चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये दोनों आंसर आपके बच्चों करेक्ट होंगे, राइट, और डेफिनेटली करेक्ट है। आप दोनों आंसर में से कोई भी एक आंसर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा है कि दोनों आंसर लिखो, आप चाहो तो एक आंसर भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। आपकी बुक में हो सकता है दोनों आंसर दिया हो, है ना, आपके दोनों आंसर करेक्ट है, चाहे एक भी लिखो या दोनों लिखो, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं, यानी डिवाइड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग्स बाय दैट, राइट। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं 9 किलोमीटर्स, 5 HG meters, 6 DK meters एंड 4 meters। तो मैंने अभी बताया था सिंपल सी बातें, जब मल्टीप्लीकेशन करना हो या फिर आपको डिवाइड करना है तो सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करो, और 1 यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिवाइड कर दो, फिर जो रिजल्ट आता है फिर उसको आप चाहो तो मल्टीपल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने भी वही किया, इन सबको 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया मीटर में, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या किया, 12 से डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया। तो देखो इसमें अगर 4 होता तो 1000 छोटा ना, लेकिन यहाँ से घट गया तो 7 HG meter हो जाएगा, हेट्रोमीटर्स, 9 DK meter हो जाएगा और 7 meter हो जाएगा। तो ये आप इसके आंसर लिख सकते हो या ये भी आंसर लिख सकते हो, तो दोनों आंसर आपके करेक्ट है, चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर लिखो, क्लियर, ओके। सेम प्रोसेस आपको बी में भी करना है, सब यूनिट को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये आ गया यूनिट, है ना, क्योंकि देखो इससे लेफ्ट साइड वाला इसलिए पॉइंट आया, अगर राइट साइड वाले आता तो पॉइंट नहीं आता, क्योंकि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैंने जब आपको बताया था किलोमीटर्स का, है ना, हेट्रोमीटर बताया था, डेकामीटर बताया था, मीटर बताया था, डेसीमीटर बताया था आपको, है ना, सेंटीमीटर बताया था, मिलीमीटर बताया था, है ना। तो ये 3 यूनिट इधर है, ये 3 यूनिट इधर है, मीटर से इधर अगर आता है तो पॉइंट नहीं आएगा, इससे इधर आता है तो पॉइंट आता है, इसलिए देखो ये यूनिट इधर आया हुआ इसलिए हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया, तो ध्यान रखना इन चीजों को भी, ओके, क्योंकि यहाँ के बाद अपॉन में आ जाता है चीजें। तो देखो 5.848 है, 8 से डिवाइड करो, ये रिजल्ट आया। अब इसको मैंने लिखा, क्योंकि देखो सेंटीमीटर मीटर तो हुआ नहीं ना, मीटर तो हुआ नहीं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, डेकामीटर, सेंटीमीटर, और इसमें निकल हमने लिख दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू तो यही आता है, ये तीनों यूनिट आता है ना, ये तीनों यूनिट, तो इस तीनों यूनिट में हमने लिख दिया, 3 वैल्यू है तो 3 यूनिट हमने लिख दिया, क्लियर। सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पे भी देखो वही है, ग्राम की है, यहाँ पे कैपेसिटी की बात किया जा रहा है ना, कैपेसिटी की बात किया जा रहा है, कैपेसिटी का सॉरी वेट का बात किया जा रहा है, बच्चों वेट का क्या होता है, सॉरी ग्राम होता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9.651 है, 7 से डिवाइड कीजिए तो ये रिजल्ट आया, और यहाँ पे और भी पॉइंट आ रहा है बच्चों, इसलिए मैंने अप्रॉक्स लिख दिया है, जब डिवाइड करोगे आप कि इसको 9.651 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1.378 और भी कुछ आएगा अप्रॉक्सिमेटली, मैंने लिख लिया। और जब इसको मैंने कन्वर्ट इसीलिए लिखा क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही लेना है, इसीलिए मैंने अप्रॉक्सिमेटली लिख दिया, ओके। और आपको ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 यूनिट ही अभी तक आपको बताया मैंने, है ना, इसीलिए हमने 3 यूनिट लिया, ओके। तो यहाँ पे देखो 1 ग्राम्स आ जाएगा, और ये तीनों को कन्वर्ट कर दिया मैंने, इस तरीके से लिख दिया। सेम बच्चों डी में भी वही है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल इसको कन्वर्ट करिए 1 यूनिट में, और ये आ गया। अब इसको हमने क्या किया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया और इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद रिजल्ट आया, फिर 14 से डिवाइड कर, ये आ गया, और फिर ऑब्वियसली बच्चे इसमें मिलीलीटर लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था डिवाइड का प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस है जो मल्टीप्लीकेशन का करना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे हमको डिवाइड करना पड़ता है, ओके। तो ये आपने चारों ऑपरेशन देख लिया, एडिशन देखा, मल्टीप्लीकेशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, डिवाइड देखा। अब वर्ड प्रॉब्लम भी देख लो बच्चों, कैसे वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ओके। देखो सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, राइट, सिंपल, कह रहे आकाश ट्रेवल इतना किलोमीटर्स, ओके, रुचि ट्रेवल इतना किलोमीटर्स एंड पारुल ट्रेवल इतना किलोमीटर, राइट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। सिंपल सी बात है,
तीन यहाँ पे स्टूडेंट है या तीन बच्चे हैं, तीनों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया और तीनों का एडी पूछ रहा है कि कितना ट्रैवल किया तीनों मिला करके। तो पहला का मैंने लिख दिया, दूसरा का लिख दिया, तीसरा का लिख दिया और तीनों का ऐड किया, था रिजल्ट आ गया कितना है 4,646 किलोमीटर्स एंड 725 मीटर्स, इतना तीनों ने मिलके डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन, 7 बोटल्स ऑफ 500 एमएल्स कैपेसिटी विथ वाटर, हाउ मच वाटर डू ऑल बोतल्स कंटेंट्स। देखो एक बोतल की अगर मैं बात कर लूँ, एक बोतल की अगर बात कर ले बच्चों, वन बोतल ही कह रहे हैं ना, यस वन बोतल की अगर मैं बात कर लूँ तो एक बोतल में कितना होता है 500 ml भरा जाता है, राइट। तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसे अगर सात बोतल में भरेंगे ना तो कितने ml होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 5 ml को 7 से मल्टीप्लाई, 500 ml को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3500 मिलीलीटर हो जाएगा, राइट। और जब इसको लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 लीटर में क्या होता है बच्चों, 1 लीटर में क्या होता है 1000 होता है, तो 3500 है तो 3 लीटर 500 ml हो जाएगा, तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा क्वेश्चन को फील करके समझना है, ओके। चलिए अब सी में देखिए, मीरा बाउट इतना मीटर क्लॉथ्स, ठीक है, और श्रेया गेव्स इतना एंड श्वेता गेव इतना, तो उन्होंने इतना खरीदा और इतना जो है वो अपने किसी को दे दिया, सी गेव्स नाम तो दे ले, सी गेव्स दैट इतना श्वेता, और इतना जो है बच्चों वो दे दिया खुशी को, हाँ श्वेता को उन्होंने इतना दे दिया और खुशी को उन्होंने इतना दिया, ओके। कितना मतलब ये, तो अब इन दोनों को ऐड, आप देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचेगा वही उनके पास बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही कह रहे हैं हाउ मच विल बी लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना बच गया। तो रिक्वायर्ड मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इतना उन्होंने खरीदा और इतना इतना उन्होंने किसी को दे दिया, दे दिया मतलब खुशी को दे दिया, श्वेता को दे दिया, तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने तो ये रिजल्ट आ गया, और इसको इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिजल्ट आ गया, और जो बचा वही तो उसके पास बचेगा, तो खुशी के पास क्या बच गया बच्चों 92 मीटर्स 15 सेंटीमीटर बच गया, इतना उसके पास कपड़ा लेफ्ट बच गया, क्यों, जब श्वेता और खुशी को देने के बाद इतना मीटर उनके पास बच गया। क्लियर, ओके। चलिए अब डी में देखिए क्या कह रहा है, किरण हैड इतना केजी एंड श्वेता डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग्स द फाइव फ्रेंड्स, ठीक है, तो इतना उसके पास केजी था, उन्होंने पांच लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी पांच फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया और सबको उन्होंने बराबर बराबर दिया, तो एक को कितना मिला वो हमको बताना है, हाउ मच डिड इट गेट, मतलब कितना उसको मिला। तो सिंपल, वी नीड टू डिवाइड, क्योंकि सबको अलग अलग पार्ट में दिया गया है ना, अलग अलग दिया गया है, तो वी नीड टू क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों, रिक्वायर मैंने लिखा 515.435 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड किया तो क्या हो गया 3.087 आ गया, राइट। तो इतने जाएंगे, और जब इसको यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो मैंने यहां पे लिख दिया ईच फ्रेंड गिव 3 kg 0.8087 ग्राम, इतने जो है हर एक फ्रेंड को दिया गया है, राइट। तो आई होप ये एक्सरसाइज बहुत मजेदार था बच्चों, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे, एडिशन भी देखा, सब्ट्रैक्शन भी देखा, मल्टीप्लिकेशन भी देखा, डिवाइड भी देखा, इवन वर्ड प्रॉब्लम भी ले लिया गया, राइट। तो थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है बच्चों, बट हाँ आपको अच्छे से फील के साथ समझ आ गया, इसी में मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।